तो हे गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से एक और नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये यहाँ जो ये सड़ा हुआ लकड़ी है, इसे हम पुटिन मारकर कैसे ठीक करेंगे। देखने के बाद आपको पुटिन मारने के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये जो लकड़ी यहाँ पर ख़राब हो गया, तो इस पर हम पुटिन मारेंगे। उस पुटिन मारने के लिए सबसे पहले हम एक बम्बू को ये लकड़ी ले लिया है, इसको हम पतला सा काट कर इसके हम चम्मच बना लेंगे, क्योंकि उसको पुटिन मारने के लिए एक पतला सा चम्मच बनाना होता है। तो इसको हम चम्मच बना के फिर उसका पुटिन मारेंगे। तो दोस्तों, हमने ये चम्मच ये देखिए कुछ इस तरीके से बना रहे हैं हम इसको काट कर बम्बू की चम्मच। तो दोस्तों, ये देखिए हो गया लगभग, और अभी हम इस पर पुटिन तैयार करेंगे। ये हमने बोतल प्लास्टिक का बोतल काट के ले लिया है, और इसमें हम ये पाउडर जो ले रहे हैं, ये लकड़ी का पाउडर है। हमने लकड़ी चीरा था तो उसमें से पाउडर निकाल कर हमने ये ले लिया है। तो इसमें हम फेविकॉल मिक्स कर लेंगे इस पर। ये देखिए फेविकॉल इस तरह से ढलकर यहाँ पर डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए ये बम्ब की चम्मच बना लिया, जो उसी चम्मच से हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे यहाँ पर। इसे हाथ से लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम चम्मच लकड़ी की चम्मच की मदद से हम पुटिन लगाएंगे। क्योंकि हाथ से लगाने से हाथ में पूरा चिपक जाने का जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लगाने के लिए, इसलिए हम लकड़ी की चम्मच की मदद से हम पुटिन लगाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने पुटिन तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अंदर में गंदगी है, तो उसका हम निकाल लेंगे, फिर थोड़ा सा अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर उसे हम नहीं अगर ये गंदगी नहीं निकालते हैं, तो पुटिन लगाने के बाद हमें अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा, फिर बाद में निकल जाएगा। इसलिए हम उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे इसको, और साथ में थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके होकर अब यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पकड़ने के लिए हम इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा साइड में अच्छी तरह से इसको फेविकॉल को लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया। अभी हम ये देखिए हम पुटिन इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर। और दोस्तों, ये लगाने के बाद पूरी तरह ये लकड़ी की तरह टाइट हो जाता है, बिल्कुल भी ढीला नहीं होता। ये सूख जाने के बाद में पूरे लकड़ी की तरह टाइट हो जाएगा। आप ये कुछ लोग क्या करते हैं, फर्नीचर दुकान में जो आप देखते हैं पुटिन लगाते हैं, वो आप लोग को दिखाता है कि वो मम का पुटिन लगाया जाता है। मम में आपको वो मिट्टी का पाउडर जो होता है, ब्राउन कलर का मिट्टी पाउडर, वो लगाकर मम के साथ घोल के उसे पुटिन लगाया जाता है। अगर वो उस तरह से पुटिन लगाते हैं, तो आप उसमें नक मारते हैं तो निकल जाएगा पुटिन। और ये वाला जो हम लगा रहे हैं, ये वाला आपका सूखने के बाद इसमें आप नक मारने से भी ये नहीं निकलेगा, पूरा लकड़ी की तरह टाइट हो जाएगा और पूरा मजबूत हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर पुटिन मारा है बोल के। तो दोस्तों, देखते रहिए हम कैसे बनाते हैं इसको। तो दोस्तों, ये देखिए पुटिन लगाकर हो गया है कंप्लीट। इस पर ऊपर से थोड़ा सूखा हुआ पाउडर लगा रहे, थोड़ा इस तरह से दबा देंगे इसको। फिर इसको दबाने के बाद हम धूप में सुखाएंगे। आपको इसके एक दो दिन इसको धूप में सुखाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर तक पूरे अच्छी तरह से सूखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे हम ले जाएंगे धूप पर सुखाने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमने जो पुटिन लगाया था, ये सूखकर हो गया है, पूरी तरह से सूखकर टाइट हो गया है। ये देखिए अभी हम इसको पेपर मारेंगे, इसे हम पलट लेंगे। पहले ये हमने यहाँ पर दागी लगा लिया है, इसे हम पहले काट लेंगे। ये दोस्तों, हम एक दरवाज़ा का सेलेट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम ये साइज पर ले लेंगे इसको। हम दागी लगा कर पहले से रखा हुआ था, अभी हम इसको काट लेंगे पहले। तो दोस्तों, कटिंग करके हो गया है, इसका हम पलट लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देंगे इसको। तो ये देखिए हमने जो उस दिन पुटिन लगाया था, वो सुकर काटा हो गया है। अभी इसका हम पेपर मारेंगे पेपर मशीन की मदद से। ये देखिए ये पेपर मशीन इस तरह से पेपर मारेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए पेपर मारकर अब कंप्लीट होने ही वाला है। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए पेपर मार्कर हो गया है कंप्लीट। और दोस्तों, ये देखिए पूरी तरह से लकड़ी के साथ बराबर हो गया। अभी इसको थोड़ी सी भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें पहले लकड़ी में घाव था, खराब लकड़ी जो था वो नहीं था, अभी पूरा तरह से अच्छे हो गया। ये देखिए, और दोस्तों ये देखिए हो गया। अब इस तरह पलट के फिर इस तरह भी थोड़ा सा है, इस तरह भी मार देंगे। ये देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।